आइए हम प्रार्थना करें प्रभु परमेश्वर पिता धन्य हो आपका परमेश्वर यीशु धन्य हो आपका पवित्र आत्मा धन्य हो आपका आपने हमें जो नया जीवन दिया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं इस नया जीवन में और इस नए जीवन के कारण जो बदलाव आया है हम में, जो स्वर्गीय जीवन दिया है आपने उसके द्वारा पवित्र आत्मा आपका प्रेम आपका आनंद और आपकी शांति हम अनुभव करते हैं हर रोज़ अपने जीवन में अपने परिवार में अपने संगति में क्योंकि आप हमारे साथ और हम में हो और हमारे द्वारा आप अपना कार्य कर रहे हो परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद आज हम यहां है उपस्थित आपके द्वार में हमसे और हम में अपना वचन और खास करके प्रभु येशु आपका जो वचन है जो पवित्र है जो सत्य है जो हमेशा के लिए है उस वचन द्वारा हमें काम शुरू हो और हमें रोशनी दो हमारे मन और हमारी आत्मा को खोलो हमें ज्ञान दो जो स्वर्गीय है और नया जीवन आपका हमें दो ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा करते हैं आमेन, Amen. आमेन 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 आइए आज हम अपना बाइबल खोलेंगे वन सैमुअल चैप्टर ट्वेंटी थ्री वन सैम्यूल चैप्टर ट्वेंटी थ्री वर्स फिफ्टीन से पढ़ेंगे यहां पर देखते हैं कि दाऊद की जिंदगी खतरे में है साउल के कारण और जॉनतिन क्या करता है पढ़िए और दाऊद ने जान लिया कि शाहुल मेरे प्राण की खोज में निकला है हाँ यानी कि शाह राजा है मगर राजा होने के बावजूद भी उसमें क्रोध और जलन है दाऊद के विरुद्ध क्यों क्योंकि दाऊद को सब चाहने लगे थे और उसे ये खटकता था हमेशा कि सब लोग दाऊद को क्यों चाहते हैं सब लोग दाऊद की चर्चा क्यों करते हैं सब लोग दाऊद को इतना चढ़ा क्यों रहे हैं तो उसमें जलन आई और इसलिए उसने ठान लिया कि मैं दाऊद को मारूंगा मगर वो ये चीज भूल गया कि दाऊद के सर पर परमेश्वर का हाथ था आले लुहिया भले आप कुछ भी करो मगर अगर परमेश्वर का हाथ हो आप पे तो आपके लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता आले लुहिया शैतान भी कुछ नहीं कर सकता तो मनुष्य क्या है इमेन मनुष्य क्या है और इसी कारण हमें ये हमेशा विश्वास होना चाहिए कि अगर प्रभु हमारे साथ है तो हमें किसी भी बात का डर नहीं इमें? इमें। क्योंकि वो जो चाहे वही होगा हमारे जीवन में वो और उसकी इच्छा प्रमाण सब कुछ होगा मगर हमको सिर्फ एक ही चीज करना होगा वो क्या है विश्वास इमेन विश्वास में ठहरना होगा हमें और विश्वास में जो कोई है उनके संगति में रहना होगा अले इसीलिए तो प्रभु ने हमें परिवार दिया है इमेन कलेसिया हमारा परिवार है चर्च हमारा परिवार है हम एक दूसरे की निंदा नहीं करते हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते हम एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते मगर हम एक दूसरे को उठाते हैं। आले परमेश्वर में अब वही बात हम देखेंगे साउल में नहीं थी बल्कि उसके बेटे में थी हाले लुया फिर से पढ़िए सिस्टर और दाऊद ने जान लिया कि शाउल मेरे प्राण की खोज में निकला है हाँ। और दाऊद जीप नामक जंगल के होरेश नामक स्थान में था हाँ। कि किशाउल का पुत्र योनाथन हाँ। उठकर उसके पास में गया उठकर उसके पास 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 गया किसके दाऊद के पास। इमें। इमें। क्योंकि वह दाऊद को चाहता था दाऊद से प्रेम करता था एक भाई की तरह और उसे वो चाहता था और उसकी भलाई चाहता था वो जानता था कि उसके पिता जो है वो कर रहे वो सही नहीं है पिता जलन के द्वारा दाऊद को मारना चाहते हैं क्योंकि सब लोग दाऊद की चर्चा कर रहे हैं सब लोग दाऊद को ऊपर उठा रहे हैं सब लोग दाऊद से प्यार करते हैं क्यों क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ था आले और जब आप पर परमेश्वर की अभिषेक होगी तो आपको कोई भी छू नहीं सकेगा हाले और यही बात आपको हमेशा होनी चाहिए यह विश्वास और यह बात जोन ने दाऊद में देखा हालेलुया और यह देखकर कर भी दाऊद से प्रेम करने लगा कि नहीं तुम सच में एक विश्वासी हो तुम्हें राजा बनना है क्योंकि परमेश्वर का हाथ तुम पर है हाले ऐसा बात हमने हमेशा करनी चाहिए कि हमने देखना चाहिए हमारे परिवार में दूसरे लोगों का क्या टैलेंट है क्या गिफ्ट है उनमें क्या भलाई है उसी को हमने ऊपर उठाना है इमें? इमें। और हमेशा उनको एनकरेज करना है बिल्ड करना है इमेन उनकी निंदा नहीं करना उनको नीचे नहीं दिखाना उनको नीचा नहीं खींचना बल्कि उन्हें उठाना है और हमेशा मदद करते जाना कि चलो आगे बढ़ो परमेश्वर ही नहीं हम तुम्हारे साथ है इमेन और यही क्रिश्चियन संगति है यही कलसिया है कि हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं हम ठट्टा नहीं करते हम हंसते नहीं हम निंदा नहीं करते बल्कि हम हमेशा एक दूसरे को हमेशा प्रेम में एक दूसरे की सेवा करते हैं अले लुया इसी को तो हम संगति कहते हैं फेलोशिप हिमैन हम एक दूसरे के है अब वो देखेंगे बात जोनाथन में पढ़िए शाह का पुत्र योनाथन उठकर उसके पास होरेश में गया हाँ। और परमेश्वर की, हाँ। परमेश्वर, की परमेश्वर की चर्चा करके उसको डांडस दिलाया हिमैन परमेश्वर की चर्चा करके हिमैन देखो परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढांडस दिलाया स्ट्रेंथन हिमन उसका हौसला बढ़ाया विश्वास बढ़ाया उसे प्रोत्साह किया हेमैन हौसला बढ़ा के विश्वास बढ़ा के प्रोत्साहन बढ़ा के डांडस करके नहीं तुम हार मत मानो एमैन क्योंकि प्रभु आपके साथ है एमैन कितने भाग्यशाली है वो व्यक्ति जिसके जीवन में ऐसे जोन तिन्स है एम और हम कितने भाग्यशाली है कि हमारे जीवन में कितने ही जोन तिंस है Amen. अगर मैं खुद के जीवन में देखूं तो मैं हमेशा प्रभु को कहता हूं धन्यवाद 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 और अंग्रेजी में यू नो you know, लोगों को देख के बोलना कि आप मेरे जिंदगी में हो इसका मुझे बहुत एहसान मंद हूं मैं प्रभु का और खास करके कि आप मुझे हमेशा हमेशा क्या करते हो परमेश्वर की चर्चा में मुझे बढ़ाते हो ईमेन परमेश्वर की चर्चा में मुझे बढ़ाते हो और आप द्वारा मेरे जीवन में इतनी खुशी है मुझे कि आप हो इसीलिए धन्यवाद करता प्रभु का, हमने एक दूसरों को हमेशा बढ़त करनी है ऐसे ही इमेन क्योंकि हम परिवार है अगर परिवार एक दूसरे की यू नो प्रभु में परमेश्वर में परमेश्वर की चर्चा करके ढांडस नहीं करेगे तो कौन करेगा ह्यूमन कौन करेगा बोलो हम एक दूसरे के हैं इसलिए अगर आप देखेंगे बाइबल में न्यू टेस्टमेंट में 35 फाइव टू फोर्टी टाइम्स लिखा हुआ है वन अनदर अदर एक दूसरे के एक दूसरे के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो एक दूसरे के लिए रुको एक दूसरे की सेवा करो एक दूसरे से प्रेम करो एक दूसरे को शांति दो हाल लुहिया अगर हम ऐसे एक दूसरे से नहीं करेंगे तो कौन करेगा Amen. और हमें ऐसा करना है एक दूसरे के लिए नम्रता से रहो शांति से रहो प्रेम से रहो या एक दूसरे से नम्र दिल से काम करो एक दूसरों के साथ सिस्टम शाह का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में गया हाँ। और परमेश्वर की चर्चा करके हाँ। उसको डांडस दिलाया या उसने उसे कहा हाँ। मत डर मत डर हेमेन <laughs> मत डर सी पहली बात मत डर मैं जानता हूं कि मेरे पिता तुम्हारे पीछे है मैं जानता हूं मेरे पिता राजा है मैं जानता तीन हजार लोगों को लेकर तुम्हारे पीछे दौड़ रहे और तुम एक एक एक्चुअली कुत्ते की जिंदगी जी रहे हो एक गुफे से लेकर दूसरे गुफे तक यहां वहां यहां वहां घूम रहे हो लाइक ए वाइल्ड एनिमल मगर तू मत डर क्योंकि मैं जानता हूं तू राजा बनेगा Amen. Amen. मैं जानता हूं तू राजा बनेगा और मैं तेरी सेवा करूँगा हाले लुया इसे कहते हैं सच्चा मित्र ही नहीं बल्कि जो अभिषेक देखता है लोगों के जीवन में कि जानता है मुझे इससे कंपेयर नहीं करना है कंपीट नहीं करना है मैं किसी रेस में दौड़ में नहीं हूं मेरा परिवार है ये हेमेन परिवार में कोई दौड़ता नहीं है कोई नीचा नहीं दिखाता कोई बड़ापन नहीं दिखाता बल्कि सेवा करता है जानता है कि नहीं मैं सेवा करने के लिए हूं और प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं सेवा करने की इमें? इमें। प्रभु यीशु खुद सेवा करने आए हैं, प्रभु यीशु ने अ... सेवा करने के लिए हमेशा सिखाया लोगों को अपने आसपास की सेवा करो सेवा करो सेवा करो एक दूसरे की सेवा करो और वो रात जब प्रभु परमेश्वर मरने के लिए तैयार हुए थे वहां पर उन्होंने क्या किया अपने कपड़े उतारे और वस्त्र कैसा पहना सेवा करने का और पानी लेकर एक दूसरे के पैर धोए और उसे साफ किया ह्यूमेन और उनसे कहा भी कि जो भी तुम में से बड़ा बनना चाहता है वो पहले सेवा करना सीखो हालेलुया सेवा करना सेवा करना कठिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है मनुष्य के लिए मगर जब पवित्र आत्मा आपको छू लेता है और प्रभु यीशु में आते हो तब जाकर हमें ये तब जाकर हमें ये सेवा करने का वरदान मिलता है पवित्र आत्मा द्वारा हालेलुया कि हम भी सेवा करते हैं और हम प्रभु यीशु को देखकर हालेलुया उनके जैसा बनने की हमारी ख्वाहिश ही नहीं बल्कि प्रार्थना है इच्छा है और विश्वास है हेमेन और उसी व्यक्ति को क्रिस्ती कहते हैं हेमेन जो प्रभु यीशु जैसा है हेमेन और वो हमेशा सेवा करने के लिए नहीं मैं सेवा करूंगा मैं सेवा करूंगा मैं सेवा करूंगा, और हमारा पूरा कर्तव्य है कि हम परिवार में सेवा करें, प्रोत्साहित करें एक दूसरे को विश्वास में और चलाए प्रभु में पढ़िए सिस्टर। तब योनाथन ने दाऊद से कहा मत डर क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में ना पड़ेगा इमेन। और... ये मुझे विश्वास है कि प्रभु आपके साथ है हेमेन और पढ़िए और तू ही इज़राइल का राजा होगा हालेलुया ऐसे भाइयों और बहनों की हमें जरूरत है कलेसिया में इमेन कि तू ही राजा बनेगा और मैं तेरी सेवा करूंगा मुझे कोई जिल्लत या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैं तेरी सेवा करूंगा मैं तेरे साथ रहूंगा मैं तेरे संग चलूंगा जब तक कि प्रभु चाहता है और मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे उभर के प्रभु की इच्छा प्रमाण पूरी तरह से प्रभु को जय लाओ हेमेन विजय लाओ और यही इच्छा होनी चाहिए हमारी हमारे बीच और हमारे परिवार में हमारे कलिसिया में हमारे कम्युनिटीज़ में ऐसे भाई और बहनों की हमें जरूरत है पढ़िए तू ही इज़राइल का राजा होगा हाँ। और मैं तेरे नीचे होंगे मैं तेरे नीचे होगा देन और इस बात को मेरा पिता शाह भी जानता है या और तब उन दोनों ने युवा की शपथ खाकर इमेन यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी इमेन वाचा बांधी कि हम एक दूसरों के लिए हमेशा रहेंगे इमेन। इमेन। शपथ खाई प्रभु में कि हम एक दूसरों की सेवा करेंगे और बाद में जब योहानन मरता है दाऊद को याद रहता है इस शपथ के बारे में वो कहता है कि अगर कोई है उस परिवार में तो उसे यहां लेकर आओ मैं वो वादा पूरा करूंगा में हमेशा ये रहना चाहिए कि मैं वादा पूरा करूंगा Amen? Amen. मैं वादा पूरा करूंगा मैंने वादा दिया है तो मैं ये वादा पूरा करूंगा Amen? Amen. और वो वादा पूरा होने तक हमने प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि में सेवा का वरदान दो और मेरी सब जरूरतें पूरी करो ताकि मैं ये वादा पूरा करूंगा इमें। 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 और प्रभु आपके साथ है इमें। इमें। मैंने खुद ने देखा है हमारे जीवन में कितनी बार हुआ है कि मैं ऐसे ऐसे बात कहता हूँ भूल जाता हूँ मगर फिर से याद आता है नहीं मगर हमने वादा दिया है वादा दिया है तो वो वादा निभाना पड़ेगा जब तक वो खत्म नहीं होता वादा हमारा कर्तव्य है और प्रभु तुम्हें साहस नहीं विश्वास नहीं बल्कि तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करेगा इमेन क्योंकि तुम में ये इच्छा है कि नहीं मैंने वादा दिया है प्रभु में इमेन और मैं संगति में हूं प्रभु के साथ और इस भाई और इस बहन के साथ मेरे परिवार में मेरे कलेसिया में और कहाँ भी हो वादा पूरा करना है और जब तुम वादा पूरा करोगे ना तब देखोगे कि प्रभु की इच्छा पूरी तरह से तुम्हारे जीवन में होगी इमें। इमें। और ये जानता है और दाऊद भी बाद में जानता है कि नहीं दाऊद जाकर फिर जोन के बेटे को लेकर आता है जो चल भी नहीं सकता जो लंगड़ा है मगर उसे राजाओं के साथ बिठाता है खिलाता है और उसके लिए रुकता है जब तक वो ना आए कोई खाना ना खाए आले लोहियान देखो हम एक दूसरे के लिए रुकते हैं हम एक दूसरे की सेवा करते हैं हम एक दूसरे के लिए अपना जान तक न्योछार करते हैं पढ़िए सिस्टर तब उन दोनों ने यहुआ की शपथ खाकर हाँ। आपस में वाचा बांधी हाँ। तब दाऊद होरेश में रह गया हाँ। और योनाथन अपने घर चला गया यो, योनाथन अपने घर चला गया इसलिए दाऊद को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि कि संगति का असर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खास करके विश्वास में प्रभु में संगति का असर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं एमेन अगर आप देखेंगे मेरे साथ इसलिए दाऊद कहता है साम सिक्सटीन वर्स वन टू थ्री पढ़िए है ईश्वर मेरी रक्षा कर क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं Amen. मैंने परमेश्वर से कहा मैंने परमेश्वर से कहा दाऊद कहता है तू ही मेरा प्रभु है हाँ। तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं हेमेन तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं, कहीं नहीं, नहीं।, नहीं। मगर थर्ड वर्स पढ़िए पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं हाँ जान जैसे <laughs> पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं जो आप पर विश्वास करते हैं हेमेन जो मेरे साथ चलते हैं उनका क्या पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, वह ही आदर के योग्य हिमैन वो आदर वो वो आदर के योग आदर, आदर के योग्य है ऑनर देम वैल्यू देम हिमैन आदर के योग्य हर व्यक्ति चाहे वो बड़ा हो या छोटा भी हो वो आदर के योग्य है हिमैन हिमैन उसे आदर से प्रेम से अच्छे से रहो एमेन उनके Amen. साथ एमेन इसीलिए यू नो हम जब ये सोचते हैं कि हम जब मंदिर जाते हैं या चर्च जाते हैं किसी बिल्डिंग मंदिर चर्च के बिल्डिंग में जाते हैं तो आ, कभी कभार हम अपना सैंडल्स उतारते हैं पुलपिट में जाते हैं तो हम बिना सैंडल जाते आदर दिखाने के लिए प्रभु को एमेन और प्रभु की आदर करते हैं कि दिस होली ग्राउंड क्योंकि प्रभु ने कहा था मूसा से अपने सैंडल्स उतारो जोशवा से कहा अपने सैंडल्स उतारो और फिर आइजा ने कहा कि आई एम अ मैन ऑफ अनक्लीन लिप्स अतरुस ने भी कहा कि दूर जाओ मुझसे प्रभु यीशु मैं पापी हूं एक है कि प्रभु जहाँ है ना वहां हम आदर देते हैं रिस्पेक्ट देते हैं हम सैंडल तो उतारते हैं मगर एक दूसरों के साथ हमारा रिश्ते में हम सैंडल नहीं उतारते कौन सा सैंडल क्रोध का विरोध का कलेश का सही गुस्से का और फिर ना माफ करने का इंसल्ट का तो वो सैंडल उतारना है हमें क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ प्रेम में रहना है Amen? Amen. एक दूसरे की आदर करना है आदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आदर करें लोगों का क्योंकि हम जब लोगों का आदर करते हैं हम जब लोगों का आदर करते हैं ना लोग भी देखकर वही सीखते हैं खास करके परिवार में ये तो मैं कहूंगा कि अगर मैंने मेरे माता पिता का आदर नहीं किया तो मेरा बच्चा भी नहीं सीखेगा कि आदर कैसा करना अगर मैं ही कुछ भी कहूं अपने माता पिता से तो वो भी करने लगेगा उनसे ही नहीं बल्कि मेरे से बाद में वो तो ये कहेगा कि आपने ही आदर नहीं दिया तो आदर करना हमें प्रभु से सीखना है और खास करके जो भी विश्वास में है खास करके जो भी प्रभु यीशु में है उनका आदर करें हम एक दूसरों का वी हैव टू टू लर्न ऑनर वन अनदर सिस्टर पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं हाँ। वे ही आदर के योग्य है Amen. और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता प्रसन्न रहता हूँ प्रसन हिमेन मुझे खुशी मिलती है हिमेन खुशी मिलती है जब मेरा भाई या बहन आता है आते हैं जो प्रभु में है ऐमेन वो मेरा परिवार है वो एक्चुअली अब मैं जहाँ हूँ मेरे खुद के रिलेशनशिप में प्रभु के साथ तो मैं रुकता हूँ लोगों के लिए जब लोग आते हैं ना जो प्रभु में है बहुत खुशी मिलती है ऐमन दिल से आनंद होता है कि ये भाई ये बहन प्रभु में है ऐमेन उनके बारे में सुनना उनका टेस्टमिनी सुनना उनका लाइफ स्टोरी सुनना फिर उनके जीवन में प्रभु क्या क्या करता है इमेन आदर करना एक दूसरों की प्रेम करना एक दूसरों से इसलिए प्रभु ने कहा है, देखिए आप बाइबल खोलिए रोमन्स रोमन्स चैप्टर ट्वेल्व रोमिन्स चैप्टर ट्वेल्व वर्स नाइन से पढ़िए। प्रेम निष्ठ कपट हो प्रेम निष्ठ कपट हो लेट लव बी जेन्युन amen. देन प्रेम निष्ठ कपट हो हाँ. बुराई से घृणा करो हाँ बुराई से घृणा करो और किस बात को पकड़ के रहो पढ़िए भलाई में लगे रहो भलाई में लगे रहो amen. भला करो लोगों का लोगों का भला करते रहो लोगों की अच्छाई करते रहो amen. amen. लोगों के लिए प्रार्थना करते रहो लोगों को आशीष दो प्रभु में हेमेन देन रीड भाईचारे के प्रेम से हाँ। एक दूसरे से स्नेह करो हाँ परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो हेमेन मैंने कहा ना आदर करो दाऊद ने कहा आदर करो इतना आदर करो कि एक्चुअली एक दूसरे से ज्यादा आदर करो अगर वो भाई इतना कर रहे तो तुम ज्यादा करो हेमेन ज्यादा करो हेमेन और भलाई में कभी पीछे मत हटो लोगों की भलाई करो प्रभु तुम्हारी भलाई करेगा Amen? Amen. और तुम जितना आदर करोगे उतना ही आदर मिल, मिलेगा तुम्हें मिलेगा आदर आदर मिलेगा प्रेम मिलेगा विश्वास मिलेगा लोगों की प्रोत्साह मिलेगी और लोग तुम्हारे साथ रहेंगे ईमेन क्योंकि तुमने जो डाला है बीच वही तो आएगा एमेन तुमने जो बीच बोया है वही तो पेड़ उगेगा हिमेन और खास करके परिवार में हमें ये बीज बोना है कि आदर करना है भले छोटे से छोटे बच्चे का हिमेन छोटे से छोटे बच्चे का आदर करो हम क्या क्या कहते हैं बच्चों से कि आप मेरा आदर करो ठीक है मगर हम किस घमंड से कहते हैं किस प्रकार से कहते हैं और निंदा करके उसे कहते हैं मेरा आदर करो समझे मैं बड़ा हूं बोलेगा हाँ अभी करूंगा थोड़ा बड़ा होने के बाद मैं आदर दिखाऊंगा तुम्हें <laughs> क्योंकि वो वही आदर करेगा जो उसे आदत से दिखी है हम में वो वही सीखेगा मगर जब वो देखेगा कि हम उसकी आदर करते हैं प्रेम करते हैं उसे सिखाते भी है उसे करेक्ट भी करते हैं मगर प्रेम से और करुणा से इमें। इमें। तो वो सीखते सीखते वो भी सीख जाएगा नहीं मगर उन्होंने जो कहा जो किया वो सही था एमैन और वो भी आदर करना सीखेगा एमैन इसलिए हमें एक दूसरों की जरूरत है Amen. Amen. हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आप जो करते हो वो मुझे इफेक्ट होता है मैं जो करता हूं वो आपको इफेक्ट होता है इसीलिए आदर करना बहुत इंपॉर्टेंट है एमैन और मैं कहता हूं कि रिलेशनशिप में खास करके या सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आदर आदर से रिस्पेक्ट से अगर आदर और रिस्पेक्ट और और विश्वास ना हो ना तो वो रिलेशनशिप नहीं है तो वो प्रेम प्रेम क्या कहते हैं हम कार्ड दिया फ्लावर दिया केक लाया वो कुछ काम का नहीं है अगर तुम आदर नहीं करते ना हम अपने माँ बाप का बर्थडे एक साल में एक बार मनाते फादर्स डे मदर्स डे हर रोज मदर्स डे है हर रोज फादर्स डे है हर रोज ब्रदर्स डे है हर रोज सिस्टर्स डे है हर रोज हसबेंड्स डे है हर रोज वाइफ्स डे है हर रोज चिल्ड्रंस डे है आदर करना सीखो जब आप आदर करोगे लोगों का तो देखोगे भलाई करोगे प्रार्थना करोगे अच्छाई करोगे इमेन? और उनके लिए हमेशा आशीष मांगोगे प्रभु का इमें? इमें। और भलाई करना भलाई करने में कभी हटना नहीं अपने भाई से भी ज़्यादा भलाई करना अगर वो एक, एक मील आया है तुम दो मील चलो शर्मिंदा करने के लिए नहीं प्यार करते हो इसके लिए नहीं तो दो मैल चलने के बाद कहोगे देखा तुम एक चले मैं दो चला वो नहीं क्योंकि मैं प्यार करता हूं तुमसे इसीलिए मैं दो मैल चला क्यों मालूम है क्योंकि तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगता है Amen! Amen. वो जाकर आ किसी को भी अच्छा लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है तुम्हारे साथ बैठना है तुम्हारे साथ उठना है मुझे अच्छा लगता है मैं तो अंग्रेजी में कहता हूं सेव जोन एक ऐसा एक ऐसा एरिया ना जहां पर बहुत अच्छा लगता है वो शाम वो सवेरे वो दिन, नो अच्छे अच्छे मेमोरीज छोड़ते हैं हम पर हम नहीं कहते कोई मामा ऐसा था हमारे घर में आ वो अगर होते तो कितना अच्छा होता कोई मासी कोई ग्रैंड मदर कोई ग्रैंड फादर जिसके पास अगर हम गए ना तो हम अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुना सकते हैं जैसे है वैसे इवेन क्योंकि वो कभी हमें कंडेम नहीं करेंगे कभी हमको नीचा नहीं दिखाएंगे बल्कि हमारी सब बातें सुन के प्रेम में हमें प्रोत्साहित करेंगे विश्वास दिलाएंगे और हमें सही रास्ते पर लेकर जाएंगे Amen. Amen. उसी को तो परिवार कहते हैं उसी को तो कले सी कहते हैं और प्रभु भी यही चाहता है हमसे लुहिया हेमेन हेमेन पढ़िए सिस्टर टेंट भाईचारे के प्रेम से हाँ एक दूसरे से स्नेह रखो हाँ परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो हेमेन प्रयत्न करने में आलसी ना हो हाँ आत्मिक उन्माद में भरे रहो हेमेन प्रभु की सेवा करते रहो प्रभु की सेवा करते रहो आलसी मत रहो हेमेन आगे पढ़ो आशा में आनंदित रहो हाँ? क्लेश में स्थिर रहो हाँ? प्रार्थना में नित्य लगे रहो हेमेन नित्य लगे रहो आशा में रहो हिमेन हेमेन और ये वर्ष तो बहुत अच्छा है थर्टींथ वर्ष पढ़िए पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो हाँ? उसमें उनकी सहायता करो हेमेन सहायता करते रहो पवित्र लोगों का हिमेन और पहुनाई करने में लगे रहो हेमेन लोगों की सेवा करते रहो लोगों की जो जरूरतें हैं पूरी करते रहो हेमेन और कभी पीछे हटो नहीं हेमेन भलाई में कभी पीछे हटो नहीं मैंने हमेशा देखा अपनी जिंदगी में कि मैंने कभी भी कभी भी पीछे नहीं हटा जब जेनुनली मैंने देखा है कि किसी को कुछ जरूरत है तो मैंने हमेशा you know दिल खोल के हाथ खोल के पॉकेट खोल के दे दिया है कभी फिक्र नहीं किया और तुरंत मैंने देखा है कि प्रभु हमेशा उससे बहुत ज्यादा देता है इमें। 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 हमारी जरूरत प्रभु पूरी करता है जब हम एक दूसरों की जरूरत पूरी करते हैं एक दूसरों से प्रेम करते हैं एक दूसरों के लिए जीते ही नहीं बल्कि मरने के लिए भी तैयार होते हैं ये हम जब एक दूसरों की सेवा करते हैं प्रभु है हमारे साथ प्रभु है हमारे साथ और वो हमेशा हम में और हमारे द्वारा सेवा करेगा लोगों की ई हम बने हुए हैं उसलिए तो मैंने अपने खुद के जिंदगी में देखा है कि प्रभु हमें कैसे सिखाता है हाल ही में मैं यहां से ही मेरे घर के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति ऐसे बस स्टॉप पे बैठा था उसने साफ सुथरे कपड़े पहने थे एक एक लाठी थी उसके साथ और एक बैग था और फिर वो बस स्टॉप पे बैठा था यहाँ पर तो मैं आगे चल पड़ा मॉर्निंग वॉक में मगर कुछ तो हुआ मुझे यू नो मुझ में एक ऐसी बात आई कि मुड़कर उसके साथ जाकर पूछो कि वो कौन है और क्या करता है तो मैंने उससे जाकर पूछा भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो तो उसने अपने घुटने दिखाए उसके घुटने टूटे हुए हैं और वो वहाँ लाठी लेके बैठा है वहीं पर सोता है बस स्टॉप पर और वहाँ पर बगल में घर है जहाँ पर उसे स्नान करने के लिए और बेसिक चीजों के लिए अलाउ किया जाता है तो तुरंत मेरे मन में यू you नो know, एक करुणा सी जागी मैंने कहा कि इस व्यक्ति के लिए कुछ करना है और फिर मैंने उससे बात किया मेरा फोन नंबर दिया और बोला कि जब भी तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत है मुझे फोन किया करो और मैं ऐसे लोगों से देखकर हैरान रह जाता हूं कि यू you नो know, कि बेचारे कितने अकेले हैं एक तो वो अकेला है उसकी बीवी मर गई है मगर ऐसे अकेले व्यक्ति परिवार में होकर भी अकेले है सब लोग आसपास है मगर फिर भी वो अकेले है और हमें हमें जाकर ऐसे व्यक्तियों को प्रभु का प्रेम और प्रभु का आदर और प्रभु की करुणा के बारे में बताना है वही तो परिवार है और हम देखते हैं कि हमारे परिवारों में भी ऐसे व्यक्ति है बहुत से लोग जो ऐसे ही एक तरफा बैठे रहते हैं कोई उनसे बात नहीं करता और खास करके हमारे बुजुर्ग हमारे बुजुर्गों के साथ हम बात भी नहीं करते ठीक से व्यवहार भी नहीं करते बैठते भी नहीं उनके साथ हाँ इसके लिए बहुत अवश्य है धन्य है वो लोग जिनके घर में माता पिता है जिनके घर में यू नो नाना नानी है यू नो ग्रैंड पेरेंट्स है धन्य है कि बच्चे उन्हें देखकर बड़े हो रहे हैं ह्यूमैन हमें ज़रूरत है ग्रैंड पेरेंट्स की पेरेंट्स की हम सोचते हैं कि ये ये नो ये अभी इनका बुढ़ापा आया इनकी सेवा करना अभी मगर उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है क्योंकि उन लोगों ने हमारी सेवा की थी हम जब छोटे थे हमारे माँ बाप ने हमारी सेवा की थी और अब जा हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी सेवा करें मैन उनकी सेवा करे उनका देखभाल करे उनके लिए सब कुछ करे जो उन्होंने हमारे लिए किया था इमेन जो उन्होंने हमारे लिए किया था तो ये करना बहुत अवश्य है अवश्य है कि हम हर रोज अपने परिवार में जो भी यू you नो know, जिनको हम देखते हैं कि वो अकेले हैं, कोई नहीं है इनफैक्ट ये लास्ट तीन महीने में ऐसे मुझे एक चार व्यक्ति मिले हैं युवा जिन्होंने कहा मुझसे ये कहा पास्टर आप मानोगे नहीं मैंने एक बार तो ऐसे रस्सी लगा भी ली थी कि मैं सुइसाइड करूं यू you नो know, मेरा एक्चुअली मन ऐसे बैठ गया ये व्यक्ति ये तो कितना अच्छा हंसता है खेलते रहता है मगर फिर जाना कि हंसने और खेलने के पीछे जो दुख है वो लोग बताते नहीं हमें वो लोग बताते नहीं हमें लोग बोलते नहीं क्योंकि कोई नहीं ये सुनने वाला या तो हम बात हड़ करते हैं या तो हम एडवाइस देते रहते हैं मगर सुनने वाला सुनने वाला और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जॉनतिन जाता है दाऊद के पास और ये बहुत संगति में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों की सुने उन्हें जज ना करे या? उन्हें लेबल ना दे कि ये ऐसा है वो वैसा है हम लेबल देने में एक्सपर्ट्स हैं <laughs> और खास करके कलेसिया में हम लेबल्स देने में एक्सपर्ट है। हम देखते हैं बोलते है, हाँ ये, इसका ये हाल है उसका वो हाल है इसके परिवार में हो वो मगर हम ये भूल जाते हैं कि जब हम उंगली एक दिखाते हैं तीन उंगलियां हमारे पास होती है इसलिए प्रभु ने कहा ना कि अपने भाई के आंखों में जो कचरा है उसका ध्यान मत दो वो बहुत छोटा है तुम अपने आप पर ध्यान दो और तुम्हें दिखेगा कि कितनी मलन है कितना कितना कुछ है हमारे जीवन में मैल जो हमें साफ करना होगा हाले और इसलिए प्रभु यीशु आए हमारे लिए मैन प्रभु यीशु इसलिए आए ताकि हमें स्वच्छता मिले हमें चंगाई मिले हमें पूरी तरह से छुटकारा मिले हेमैन प्रभु यीशु हमें छुटकारा देने के लिए आए और वो छुटकारा हम संगति में पाते हैं एक दूसरों के साथ इंडिविजुअली नहीं क्या मैं मैं बहुत बड़ा हूं मैं अच्छा हूं वो वैसे ही फैरजी ने प्रार्थना किया था मंदिर आकर अगर आप देखेंगे लुक 18 में 9 के बाद वो प्रार्थना करता है कि मैं इसके जैसा नहीं हूं बल्कि वो पापी क्या कहता है मैं पापी हूं बल्कि मैं स्वर की तरफ अपनी आंखें उठा भी नहीं सकता क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं और प्रभु कहता है कि उसने करुणा पाई उसने जाकर सेविंग ग्रेस पाई हेमेन और ये जानना बहुत जरूरी है और ये प्रभु में हमें प्रेम करना बहुत जरूरी है हेमेन इसलिए बाइबल कहता है वन तेस्लोनियंस चैप्टर फोर वर्स नाइन पढ़िए किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में भाईचारे के प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखू देखो पॉल क्या कहता है कि एक दूसरों के साथ प्रेम करने के लिए भाईचारे में रहने के लिए मुझे अवश्य ही नहीं तुम्हें कुछ सिखाने के लिए क्यों क्योंकि प्रभु तुम्हें सिखाता है प्रभु से सीखो आई आई नीड टू राइट टू यू अबाउट लव Brotherly love, because I know God is teaching you. amen amen amen, amen. प्रभु सिखाता है. amen. amen. और अगर हर रोज सीखोगे ना प्रभु से तो प्रभु तुम्हारे मन में और तुम्हारे हृदय में सिखाएगा भाईचारे के बारे में amen. Amen. कि तुम्हें प्रेम करना होगा तुम्हें माफी देनी होगी क्रोध में नहीं रहना होगा बुरी बात नहीं कहनी होगी कि किसी से जलना नहीं होगा किसी के विरुद्ध कुछ बोलना नहीं होगा तुम्हें बदलना होगा प्रभु यीशु में, मैन हेमैन पढ़िए सिस्टर भाईचारे के प्रीति के विषय में ये आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं। क्यों क्योंकि आपस में प्रेम रखना आ? तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है हे किससे सीखा है परमेश्वर से परमेश्वर से सीखा है और तुमने प्रभु से सीखा है उसने सिखाया हमें कि जैसे मैंने अपना प्राण तुम्हारे लिए दिया तुम अपना प्राण अपने भाई के लिए दोन और इसी से लोगों को मालूम होती है या बात समझ में आती है कि पवित्र आत्मा का दिया हुआ प्रेम कैसा है Amen. 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 और क्रूस तो सिंबल है इसके बारे में जब हम प्रेम के बारे में सोचते हैं तो रोमांस के बारे में मत सोचिए <laughs> वो अलग सा प्रेम है जब हम प्रेम के बारे बारे में सोचते हैं तो हम यू नो रोमांस सोचते हैं यू नो अच्छा फीलिंग सोचते हैं कार्ड सोचते हैं यू you नो know, फ्लावर्स सोचते हैं केक सोचते हैं वो सब ठीक है किस भी सोचते हैं वो भी ठीक है मगर किस भी दो दो प्रकार के होते हैं जूड़स ने भी किस दिया था प्रभु को मगर वो बिटरियल का था प्रेम का नहीं था बल्कि उसे बेच दिया मगर वो दूसरे व्यक्ति वो औरत जो प्रभु के पास आई उनके घुटनों में यू नो उनके पैरों के तले आई वो रोती रही अपने बाल उसने खोले और प्रभु के पैरों को चूमा और माफी मांगी मैन माफी मांगी अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए हाल उसी को हम सच्चा प्रेम हैं खास हम एक दूसरों से सच्चे दिल से माफी मांगे दाम क्या कहते हैं हाँ, सॉरी 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 <laughs> सॉरी सॉरी नहीं नहीं सौरी जो यहां से निकलती है वो अलग है सॉरी जो यहाँ से निकलती है वो अलग है लोग कहते हैं ना कितने बार मुझे सॉरी कहना होगा नहीं तुम एक बार सॉरी कहोगे ना वो आदमी या वो औरत समझ जाएगा सच में तुम सॉरी होन क्योंकि वो सॉरी तुम्हारे दिल से निकलेगी कि मुझे माफ करो और वो सॉरी इंपॉर्टेंट है Amen? Amen. और उस सॉरी के बाद हम फिर वो चीज कभी नहीं करते Amen? Amen. Amen. वो सॉरी के बाद हम में बदलाव आ जाता है वो गॉडली सॉरो है गॉडली रिपेंटेंस है क्या साहस आती है हम में क्या विश्वास आता है हम में क्या क्रोध आता है पाप के विरुद्ध <laughs> कि नहीं मैं ये नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इससे ये करने से मेरे और मेरे भाई मेरे और मेरे बहन के बीच में दीवार आती है वो दीवार हटने दो प्रभु यीशु में एमन एम ऐसा क्रोध आना चाहिए हम में तो उसको जाकर संगति कहते हैं हम संगति क्या सोचते हैं मालूम है हम सब मिलते हैं गाते हैं एक दूसरे के साथ दे शैल बी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग वो आउटवर्ड एक्सप्रेशन है संगति दिल से है हृदय से है पवित्र आत्मा द्वारा है ह्यूमैन ह्यूमैन कि तुम एक दूसरे से इतना प्रेम करते हो कि प्रार्थना करते हो भलाई चाहते हो आशीष हमेशा प्रार्थना करते हो और हमेशा तैयार रहते हो कि मैं कुछ भी करूंगा इस भाई के लिए और इस बहन के लिए Amen. Amen. उसे स्वर्गीय प्रेम कहते हैं और वो स्वर्गीय प्रेम ही परिवार है तो कभी कभार हमारा परिवार बाहर होगा <laughs> परिवार बाहर होगा हा? हम किसी दूसरों के साथ जुड़े होंगे प्रभु यीशु में हाल और वो व्यक्ति हमारे लिए बहुत मूल्य होगा जैसे जॉनतिन था दाऊद के लिए एमें। एमें। कि मैं तुम्हारा परिवार हूं प्रभु में मैं तुम्हें मैं प्रभु के संगति में यू you नो know, मैं तुम्हें हमेशा विश्वास दिलाऊंगा कभी डरो नहीं और प्रभु यीशु ने हमें वही कहा ना प्रभु यीशु ने भी हमसे कहा डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ वो हमारा भाई है वो हमारा याजक है वो हमारा राजा है वो हमारा स्वर्गीय मार्ग नहीं बल्कि हमारा जीवन है हिमैन और उसने अपनी जान दी है हमारे लिए प्रभु यीशु ने हालेलुया हिमेन उसके द्वारा हमने छुटकारा पाया है हिमेन हिमेन हिमन प्रभु यीशु से हमें तो हर रोज प्रेम रखना चाहिए हर रोज संगति रखना चाहिए उसी पर अपना विश्वास होना चाहिए वही हमारा शुरुआत है और वही हमारा अंत है उसका नाम प्रभु है मन हेमेन एम एन एमेन वो हमारा परिवार है उसने हमें स्वर्गीय परिवार में प्रवेश करने के लिए ही नहीं बल्कि रास्ता बनाया अपने लहू से एमेन तो हमने उससे कितना प्यार करना चाहिए सिस्टर। भाईचारे के प्रीति के विषय में ये आवश्यक नहीं हाँ. कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, हाँ. क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है Amen. Then, और सारे मक्की दुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो हाँ, तुम करते भी हो see? तुम प्रेम करते भी हो और ये दिखता है बस हाँ. 18 पढ़िए इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो हाँ एक दूसरे को क्या दिया करो शांति दिया करो। क्या दिया करो शांति दिया शांति दिया करो, दिया करो। नहीं। एक दूसरे को ट्रबल मत दिया करो हाँ एक दूसरे को देखकर ट्रबल मत दिया करो नहीं तो हम कभी कभार एक दूसरे को देखकर कहते अरे ये आ गया क्या सर दर्द नहीं एक दूसरे को शांति दिया करो हम जहां पर भी जाए हमारे शूज हमेशा शांति के होने चाहिए इमेन कि लोग देखे तो अरे यार ये आ गया ये व्यक्ति आ गया एमेन क्योंकि हम शांति के दूत है एमेन प्रभु यीशु ने कहा कि तुम किसी घर में जाओ तो सबसे पहले शांति दो एमेन Amen? Amen. और तुम जब शांति दोगे अगर वहां शांतिपूर्वक व्यक्ति होगा उस पर शांति रहेगी Amen? Amen. प्रभु ने कहा कि तुम जब एक दूसरे को शांति दोगे और शांति के लिए प्लेस करोगे और शांति में सिद्ध रहोगे तो क्या होगा तुम चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहे जाओगे Amen. परमेश्वर के पुत्र इमेन पढ़िए सिस्टर इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो. हाँ. पर है भाइयों इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए हाँ तो ये बात अलग है मगर अभी क्या है हमने प्रेम करना चाहिए हमने शांति देनी चाहिए और हमने प्रभु में एक होना चाहिए Amen? Amen. अगर हम देखेंगे चैप्टर वर्स पढ़िए वह धन्यवाद का कटोरा हाँ वह धन्यवाद का कटोरा जो प्रभु यीशु ने दिया हमें जिस पर हम धन्यवाद करते हैं हाँ? क्या मसीहा के लहू की सहभागिता नहीं हाँ? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हाँ? क्या वह मसीहा के देह की सहभागिता नहीं इमें? हम प्रभु यीशु में भाग लेते हैं और हम सहभागी है एक दूसरे की हिमेन जब हम प्रभु का कटोरा लेते हैं और प्रभु की रोटी खाते है इमेन हम एक परिवार हो जाते हैं है इमें? इमें। तो हमने एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए प्रार्थना करनी चाहिए एक दूसरे के लिए रुकना चाहिए एक दूसरे को सेवा करना चाहिए एक दूसरे से शांति रखनी चाहिए एक दूसरे के लिए भलाई सोचनी चाहिए और एक दूसरे के लिए अपनी जान देनी चाहिए हालेलुया इसलिए अगर आप देखेंगे पढ़िए इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया आ। और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है आ। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो हेमेन क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते जब तुम कभी ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो आ? तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। हेमेन प्रचार करते हो ध्यान करते हो और अपने आप को हमेशा ये याद दिलाते हो कि प्रभु ने अपनी जान मेरे लिए दी जैसे प्रभु ने अपनी जान मेरे लिए दी मैंने भी ऐसे ही अपनी जान दूसरे भाइयों और बहनों के लिए देनी चाहिए हिमैन और यही क्रिस्ती रिलेशनशिप है संबंध है प्रभु के साथ और एक दूसरों के साथ क्यों? क्योंकि नेक्स्ट पढ़िए इसलिए जो कोई अनुचित रीति से हाँ। प्रभु की रोटी खाए हाँ? या उसके कटोरों में से पिए हाँ? वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा हाँ, फिर इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले हाँ? और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए हाँ? क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने हाँ? वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है वो दंड लाता है और यहाँ तक कि वो बीमार भी होकर मृत्यु भी पाता है क्यों क्योंकि उसने सही ढंग से ये संबंध नहीं रखा प्रभु के साथ और अपने भाई बहनों के साथ इमेन। खास करके कलेसिया में और खास करके परिवार में इमें? इमें। हमने एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है एक एक दूसरे को इनकरेज करना है एक दूसरे को विश्वास में लाना है एक दूसरे के साथ संबंध बढ़ा के हमने ऑनर करना है एक दूसरे को हाल लुहन और ये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम हमेशा अपने आप को एग्जामिन करें कि सच में हम प्रभु यीशु में है कि नहीं हिमेन नहीं तो हम निकम में ठहरेंगे इसलिए टू कोरिंथियंस चैप्टर 13 वर्स 5 एंड 6 में देखिए पॉलुस क्या कहते हैं अपने आप को परखो अपने आप को परखो कि विश्वास में हो ही कि नहीं हाँ। अपने आप को जांचो हाँ। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते हाँ? कि यीशु मसीह तुम में है यीशु मसीह मुझ में है हेमेन फिर नहीं तो तुम जांच में निकम्मे में निकले हो या जांच में निकम्मे निकले हो मगर अभी पॉलिस क्या कहता है सुनिए पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे हाँ। कि हम निकम्मे में नहीं हेमन और पढ़िए आगे हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं हाँ। कि तुम कोई बुराई ना करो हेमेन तुम कोई बुराई ना तुम करो। कोई बुराई ना करो बल्कि इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पाए हाँ। पर इसलिए कि तुम भलाई करो चाहे हम निकम्मे ही ठहरे चाहे हम लोगों की नजरों में निकम्मे ठहरे मगर प्रभु की नजरों में हम सच्चे हैं कभी कभार गलती होती है लोगों से कि वो हमें जज नहीं कर सके ठीक है मगर तुम भलाई करते रहो तुम अच्छाई करते रहो तुम सच्चाई में चलो और प्रभु यीशु का नाम रोशन करो अपने जीवन से इमेन इमेन क्योंकि प्रभु यीशु जानता है कि तुम सच्चे हो हाले प्रभु यीशु जानता है कि तुम में बदलाव आया है प्रभु यीशु जानता है कि हमेशा आप उसकी सेवा करते हो हाले लुया इमेन इमेन पढ़ी है सिस्टर हम अपने परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े हाँ। पर इसलिए कि तुम भलाई करो चाहे हम में ही ठहरे अभी ध्यान से सुनो ये नेक्स्ट थ्री वर्स बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते हेमेन हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं करेंगे बल्कि आगे पढ़ो। पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। हेमेन हम सत्य के लिए ही कर सकते वर्ष नाइन जब हम निर्बल है और तुम बलवंत हो आ, तो हम आनंदित होते हैं हेमेन देन और ये प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ तुम सिद्ध, सिद्ध हो जाओ यू आर रेस्टोर्ड हिमेन और यही हमारी यही हमारी प्रार्थना है कि यू आर रेस्टोर्ड यू आर फुल यू आर ओवरफ्लोइंग यू बिकम स्ट्रांग हिमेन यही प्रार्थना है हमारी और इसी को तो हम संबंध कहते हैं प्रभु यीशु में हिमेन आगे पढ़ो इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ हाँ। कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार आ? जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं आ? पर बनाने के लिए मुझे दिया है। दियार डाउन गॉड एज नॉट अलाउड मी टू टेर डाउन बट टू बिल्ड हेमेन और यही हमारा कार्य है कि किसी को बिगाड़ने के लिए नहीं नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि उनको उठा के उनको बिल्ड करना हेमेन वो लास्ट वर्स पढ़िए, है सिस्टर इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं हाँ? पर बनाने के लिए मुझे दिया है और हम बनाने के लिए बने हैं हम बनाने के लिए बने हैं बिगाड़ने के लिए नहीं हिमैन हमारा परिवार हम बनाएंगे Amen? Amen. हम स्वर्गीय जीवन वहां लाएंगे पवित्र आत्मा द्वारा हेमेन प्रभु यीशु द्वारा हमारे कलिसिया में भी हम बनाएंगे और हम देखेंगे कि प्रभु हमें कितना ऊंचा उठता है यही हमारी चाहत है हाल और इसके लिए हम हमेशा क्लेश करेंगे विश्वास में चलेंगे कि सब की बढ़त हो और सब बने प्रभु यीशु में मगर कोई ना बिगाड़े कोई ना लॉस्ट हो जाए हिमेन यही हमारी प्रार्थना है हिमेन और यही हम चाहते हैं प्रभु यीशु द्वारा आगे पढ़िए सिस्टर अतः है, है भाइयों आनंदित रहो आनंदित रहो सिद्ध बनते जाओ सिद्ध बनते जाओ मेक इट योर एम फॉर रेस्टोरेशन मेक इट योर एम कि तुम भी सिद्ध बनो और दूसरों को भी सिद्ध बनाओ हिमेन हमारा एम लक्ष्य क्या होना चाहिए रेस्टोरेशन ऑफ सेल्फ एंड रेस्टोरेशन ऑफ अदर्स यही हमारा एम होना चाहिए सिद्ध होना चाहिए सब प्रभु में आगे पढ़िए आनंदित रहो आ? सिद्ध बनते जाओ ढांडस रखो ढांडस रखो एक ही मन रखो आ? मेल से रहो आ? और प्रेम और शांति का दाता आ? परमेश्वर आ? तुम्हारे साथ होगा हेमेन सी वर्ड्स इन इंग्लिश Finally brothers rejoice, aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace, and God of love and peace will be with you. Amen. Amen. तुम जब ऐसे जी, जीओगे ना प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा. Amen. Amen. जब तुम प्रेम करोगे, जब तुम बिल्ड करोगे एक दूसरे को. Amen. Amen. But तोडोगे नहीं एक दूसरे को. हालेलुयाह प्रभु तुम्हारे साथ, साथ रहेगा. अब ये बहुत ही सुंदर वचन है पढ़िए. एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो हे तुम्हारा मन साफ है तुम्हारा हृदय साफ है तुम एक दूसरे को बिल्ड करना चाहते हो कंफर्ट करना चाहते हो रेस्टोरेशन चाहते हो पीस चाहते हो जुड़स जैसे किस नहीं करते तुम हे <laughs> तुम वो पापी जैसे पहले प्रभु यीशु के पास जाके माफी मांग के उसके पैरों पे चूमते हो और जब तुम उसके पैरों को चुमते हो वो तुम्हें चुमता है तो वो चुमन जाके तुम अपने भाई को देते हो हाले लुयान और कहते हो मुझे माफ करो मैंने तुम्हारे विरुद्ध जो कुछ किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ हाले लुयान प्रभु तुम्हारे साथ, साथ है और इसी बात को हम परिवार कहते हैं हिमेन परिवार ऐसा होना चाहिए हमारा एक दूसरे के साथ संबंध ऐसे होने चाहिए कि हम एक दूसरे को रेस्टोर करें प्रेम में रहे शांति में रहे एक दूसरे की सेवा करें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार हो कि क्या सेवा करूं मैं आपकी हम तो आजकल तो फ़ोन पे बैठ के ऐसे बैठे रहते हैं अगर कोई बोले उठे और करो अरे मुझे उठना है जैसे कि कोई बड़ा काम कर रहे हो या? सेवा में ऐसे होना चाहिए और ख़ास करके माता पिता के खास करके बड़ों के खास करके लोगों के जो अपने पास और छोटों के लिए भी सेवा करना चाहिए हमने उनके ऊपर देखभाल करना चाहिए एमैन हमारा कर्तव्य बनता है कि छोटों के लिए भी देखभाल करना चाहिए उनको खुण। खुण। क्रोधित होकर हमेशा चिल्लाते नहीं रहना चाहिए बल्कि प्रेम में उनको एनकरेज करना चाहिए बिल्ड करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो भी प्रभु में आगे बढ़े एमैन एमेन पढ़िए सिस्टर एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो हाँ। सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं प्रभु ये है। मसीह का अनुग्रह हाँ। और... और परमेश्वर का प्रेम और, और पवित्र आत्मा की सहभाग्यता तुम सब के साथ होते रहे एमें। 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 एमें और एमें। 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 और आज का दिन ही ऐसा है हाल लुहियान कि प्रभु यीशु का आनंद हमारे साथ है हम ये एनिवर्सरी मना रहे हेमेन तो प्रभु यीशु हमेशा हमारे साथ रहे पिता का प्रेम हम पर रहे और पवित्र आत्मा का सहभागिता हमेशा हमारे साथ रहे आले लुहिया आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसी आपका अनुग्रह आपका प्रेम आपका आदर हम हमेशा करें आपकी अनुग्रह हम पर रहे प्रभु और परमेश्वर पिता आपका प्रेम हम पर रहे हम में निवास करे पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र आत्मा हमें इतना आनंद है कि हम सहभागी है आपका जीवन के हर रोज जो हम में रहता है और हमारे द्वार हमें सिखाता है आप हमें हर रोज सिखाते हो कैसे चलना कैसे रहना प्रभु यीशु में और प्रभु यीशु का जीवन आप लाते हो हम में और हमारे द्वारा इसके लिए धन्यवाद कहते हैं हम हमें हमेशा आपका प्रेम रहे हम आदर करें प्रेम करें भलाई करें और दूसरों के लिए अच्छा चाहे हमारे जीवन द्वारा और खास करके परिवार के लोगों में और कलेसिया में और बाहर के लोगों में हम हमेशा प्रेम से रहे जो प्रेम आप हमें देते हैं वही प्रेम हम लोगों में बांटना चाहते हैं प्रभु यीशु हमें हर रोज छू लो अपने प्रेम से आप जो आदर देते हो हमें अपना जीवन देकर वही आदर हम दूसरों को दे अपना जीवन देकर ताकि आपने जैसा अपना लहू बहाया जीवन दिया हमारे लिए हम भी अपने आप को बांटे लोगों के लिए ताकि वो भी नया जीवन पाए आप में हमारे द्वारा हमारे परिवार द्वारा हमारे कलेसिया द्वारा ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं अमेन 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 प्रभु यीशु मसीह की शांति or sahas amen. amen. peace. peace of jesus be with us. amen. look to each other and bless each other with peace. come on. bless each other with peace. amen. amen. nice. we just take a break and then we come back. we just go out for a few moments because our children want to do something. so we go out, take a break, and then we come back after 15 minutes. Bless you. Good afternoon, everyone. Good afternoon. We, the children and the youngsters of the Adonized Bride Church, would now want to present a small program that we have put together as we, along with you, remember the years of faithfulness that God has shown to His bride, each of us individually, and our families. Good afternoon everyone. Praise Jesus. Praise Jesus. So we are going to sing this song. I'm sure you all know this song. Uh, you all must have praised and worshiped Jesus with this song. It's Chattan. And Chattan means rock. Who is our rock? Jesus is our rock. He's our rock, he's our sure foundation, he's our chief cornerstone, and he is the foundation of this building. And we as a church face many problems. Not only while uh, this building was being built, but also uh, in every kind of development like uh, extension, maintenance, etc. But God fulfilled this need. One of the major problems was low finance. And God fulfilled this need in an amazing and supernatural way. So, you know, let us praise God with this song. We dedicate this song to God. Who is with us no matter what the situation is, no matter what storm comes in our lives, no matter what trials we face? But they won't affect us because God is our foundation, God is our rock, and He is our Chattan.

have our tiny ones asking the most important question that we need to ask ourselves time and again as we go through the journey of our life the question is do you know jesus Dance the joy that a child of God experiences when he meets the only way, the only truth, and the only life. पाया मार्ग पाया सत्य पाया जीवन पाया रे 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 वो साथी रे दुनिया में घुर ढेरा शैतानी है गला डेरा इस दुनिया में घुर अंधेरा शैतानी है गला डेरा सबके मन के मन को पाया जीवन पाया रे मार्ग पाया सत्य पाया जीवन पाया रे ओ साथी रे, बंदू रे, रे बंधु के अंदर पाप की नगरी भरती जाए कर्म की गगरी ओ मन के अंदर पाप की नगरी भरती जाए कर्म की गगरी धोन उतारे सागर से हाँ, मेरी प्यासी अखियां तरसे निकला छुटकारा की खोज में ओ निकला छुटकारा की खोज में निकला छुटकारा की खोज में ये सुपाया येसु पाया येशु पाया येशु पाया मार्ग पाया सत्य पाया जीवन पाया रे 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 ओ साथी रे बंधु रे बंधु रे साथी रे सुनो रे सुनो रे खुश खबरी खुशखबरी माझी रे माझी रे ओ बंधु रे बंधु रे ओ साथी रे साथी रे माझी रे माझी रे बंधू रे बंधु रे साथी रे साथी रे साथी रे साथी रे ओ साथी रे You know the children always amaze me. I want you to pay careful attention. I'm really saying it. Every year, all our children amaze me. You are extraordinary. Amen. You are really extraordinary. Every child, all children, you are all extraordinary. Because last year, remember, they brought us to tears with the beautiful program that they did. This was on the shortest of notice. I think only about. Three weeks or four weeks. And uh, thank you, Zavi, Mabel, and all the dance group. Thank you, thank you. And everybody who did that. Amen. <laughs> uh, I really bless God, you know. See, when, whenever I see, actually, I'm the happiest pastor in the world. I don't have to do anything. Honestly, I don't have to do anything. I just have to come, preach, and go quietly. I don't even have to look anywhere. I'm telling you in Jesus' name. I don't even have to ask what's happening, what's not happening. You know why? Because of every brother and sister here in Jesus' name. Always remember this. Because God is in control. Amen? So I don't have to waste my life on doing anything but, as Peter says, seek God and preach the word. Amen. I bless God for every brother and sister in the community. I really bless God and whenever we parents see our children no it gives us great joy amen yes it gives us great joy to see our children that's why i say bless our children bless them bless them bless them every day amen so that we really see the goodness of god in the land of the living amen okay lunch has come yeah so we move towards the kitchen to have lunch i need help uh, youngsters have to pick up chairs and go here to take chairs and go that side. Please come come to the kitchen. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace. ah, 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 ah.